सभी साथियों को जय भीम। सबसे पहले मनीषा वाल्मीकि को मैं आदरांजलि अर्पित करती हूँ स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से। आज जिस तरीके से इस घटना को रातों रात एक तरह से पहुंचाया गया कि ताकि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन ना बन पाए, ये एक पूरे भारतीय समाज के लिए एक काले धब्बे की तरह देखा जाना चाहिए। जिस तरीके से रात के अंधेरे में दाह संस्कार कर दिया गया, दिल्ली हॉस्पिटल में सफदरजंग में कल डेथ हुई थी मनीषा वाल्मीकि की, लगभग 3 और 4 के बीच में। उसके बाद ऐसी क्या नौबत आई थी हाथरस के उस गांव के ठाकुर, जो 5 जो लोग हैं, संदीप ठाकुर, रवि ठाकुर, लवकुश ठाकुर और राजकुमार ठाकुर, क्या ऐसी वजह रही कि रातों रात उसका दाह संस्कार कर दिया। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं लंदन से, ऑक्सफोर्ड से श्वेता सोहता, रविंदर चौहान जी आजाद टीवी चैनल के चेयरमैन हैं, जयंत डोगरे जी ऑस्ट्रेलिया से हैं, और कमल किशोर कठेरिया जी हमारे तमाम आंदोलनों में सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हाथरस में ये जो घटना घटी, हाथरस का गाँव जो भूमगढ़ी गांव है, जिसका चंदपा एक तरह से थाना पड़ता है, हाथरस जिला है जिसका, एक लड़की जो बहुत अच्छे से अपने जीवन यापन कर रही थी, पूरा गरीब परिवार गुजारा कर रहा था, लेकिन 5 गांव के दरिंदों ने न केवल गैंग रेप किया बल्कि क्रूर से क्रूरतम व्यवहार, जो एक पता नहीं किसके साथ किया जाना चाहिए होगा, वो उस लड़की के साथ किया गया। भयानक कास्टिस्ट का मामला हमारे सामने है, रेप तो हुआ ही हुआ, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ एक तरह से जीभ को काट दिया गया ताकि वो बयान ना दे पाए अगर जिंदा बचे तो। जो जो मानव जाति के इतिहास में जो जघन्यतम अपराध जिसको कहा जा सकता है, वो मनीषा के साथ घटा। इस पूरी घटना को जब हम देखते हैं तो हमारा खून खोलता है, हमें ये बेईमानी नजर आता है कि आज हम चर्चा के लिए बैठे हैं। मैं बिल्कुल अपने आप को दोषी मानती हूँ कि 14 दिन तक जो हमारी बेटी, हमारी बहन जिंदगी की लड़ाई लड़ती रही, हम चुप रहे, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि हम जिस तरीके से आज चर्चा में शामिल हैं, ऐसे हम चर्चा उस वक्त करते तो शायद उसको बेहतर इलाज मिल पाता, एम्स तक पहुंच पाती। अगर एम्स में इलाज बेहतर ना होता तो भारत से बाहर जा सकती थी, जिस तरीके से निर्भया जो शर्मा जाति से आती थी उसके इलाज के लिए सरकार के द्वारा विदेशी इलाज उसका संभव करवाया गया था। हमें निर्भया के दोषियों को सजा मिलने के बाद एक तरह से एक आस बंधी थी कि शायद सामाजिक न्याय का सवाल अब कम से कम न्यायालय पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन इन सारे घटनाक्रम को देखते हुए जिस तरीके से सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ही 307 का मुकदमा दर्ज किया गया, SC ST एट्रोसिटी का किया गया, उस पे दर्ज ही नहीं हुआ रेप केस। वो तो मैं जज्बे को सलाम करती हूँ कि वो लड़की अपनी जीभ कटने के बावजूद भी वो बयान दे पाई, और मुझे इसमें मानने में कोई दोराय नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल समझदारी के साथ मेरे चैनल के माध्यम से और तमाम स्वच्छकार समाज की आवाज के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि अगर वो लड़की बयान ना देती तो ये मुद्दा इतना भी नहीं बनता जितना आज है। बहरहाल आज का सवाल हमारा यही है कि क्या सामाजिक न्याय मिल पाएगा, क्या हम मनीषा को भी न्याय दिलवा पाएंगे, क्या पूरा का पूरा भारतीय समाज का ढांचा जो बिल्कुल अपने आप को एक तरह से ये मानता है कि धार्मिक ग्रंथों के आधार पर भी रात को किसी का भी दाह संस्कार नहीं होता, हम सब जानते हैं धार्मिक ग्रंथों के आधार पर भी रात को दाह संस्कार नहीं होता, ऐसी क्या वजह थी कि रात को 2 बजे उठ के पुलिस वालों ने दाह संस्कार किया, दिल्ली से उठाकर लेके गए और वहां शिफ्ट किया गया उनके गाँव में, और वहां जाकर शिफ्ट करने के बाद रातों रात उसके परिवार को भी मिलने नहीं दिया गया। विडंबना देखिए कि एक माँ जिसने बच्चे को पैदा किया था, जिसने बड़ा होते हुए देखा था, उसको मुंह तक देखने नहीं दिया गया, कैसी विडंबना है, कौन सा ऐसा समाज है हमारा, जिस समाज में हम जी रहे हैं उसमें हम अपने आप को नजरें मिला सकते हैं,
क्या हम मिला सकते हैं? कठेरिया सर, आपकी नजर रहती है तमाम चीजों के ऊपर, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? क्या एक सिर्फ एक जाति के सवाल की वजह से ये सब कुछ हुआ, या तमाम स्त्रियों के सवालों पर जब हम चर्चा करें, क्या ये केवल एक स्त्री के सामान्य घटना की तरह देखा जाना चाहिए? आप इसको कैसे देखते हैं? इस घटना में जो कुछ हुआ है, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इसमें जाति का सवाल प्रमुख रूप से घुसा हुआ है, और नारी का सवाल तो है ही, और नारी के साथ तो इस समाज में हमेशा से ही उसको गुलाम का ही दर्जा दिया गया है। मनु कहता है कि स्त्री जो है बचपन में पिता के संरक्षण में रहती है, युवावस्था में पति के संरक्षण में रहती है, और वृद्धावस्था में बेटे के संरक्षण में रहती है जब वो विधवा हो जाती है। तो वो और ये दुख इस बात का है कि जब वो, और ये जो जो स्त्रियां एससी समाज अनुसूचित जाति में पैदा होती हैं, उनके लिए ये और डबल हो जाता है, उनकी उनकी पीड़ा जो है डबल हो जाती है, क्योंकि एक तो वो पुरुषवादी मानसिकता का जो है का शोषण, या उनका जो उनके साथ जो अन्याय होता है वो भी झेलती हैं अपने पति के साथ के द्वारा, और साथ ही साथ जो है समाज का जो जिस समाज में पैदा हुई है, जिसको हिंदू समाज कहा जाता है, क्योंकि वो हिंदू समाज के जो ठेकेदार हैं, जिनका जिनके वजह से जो कुछ भी वहां पे परंपराएं बनी, उन परंपराओं के आधार पे, जो धर्म के आधार पे उनका उनके साथ अन्याय होता है, उसका भी उनका उनको सामना करना पड़ता है। तो ये मामला जो है धर्म का भी मामला है, ये मामला जो है कि धर्म में किस प्रकार से इन जातियों को, जिनको कि अस्पृश्य कहा गया, अनटचेबल कहा गया, मनु ने तो इनको हिंदू माना नहीं था, और एक और पांचवां वर्ण भी मानने से इनकार कर दिया था, आज बूट की वजह से उनको हिंदू मानते हैं, अदरवाइज तो इनको हिंदू माना भी नहीं गया था। लेकिन जो कुछ भी हो, वोट के समय उनको हिंदू माना जाता है, लेकिन जब अधिकार और सम्मान की बात होती है तो इनको हिंदू नहीं माना जाता है। तो ये हिंदू है कौन, उसका भी प्रश्न उठता है, और ये नारी का भी प्रश्न उठता है, जाति का तो प्रश्न है ही, साथ साथ इंसानियत का भी प्रश्न उठता है, क्योंकि जिस तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके साथ जो जो कुछ गंदा काम किया गया, बलात्कार किया गया, वो तो अलग चीज है ही, साथ में जिस तरह उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जीभ काटी गई, उसको इस तरीके से किया गया कि वो कहीं चलने लायक ना बचे रहे, और अगर जिंदा बच जाए तो अपने मुंह से बोल ना पाए। तो ऐसा व्यवहार तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता है, जानवर से भी कितना भी नाराज हो, या तो उसे गोली मार देगा या उसे डंडे से मार के घायल करके भगा देगा, लेकिन कम से कम इतना व्यवहार जो ऐसे कहते हैं ना पशुवत व्यवहार, ये पशुओं पशुवत व्यवहार से भी ज्यादा निर्ममता वाला व्यवहार है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये इंसानियत का मामला ज्यादा है, कि क्या अस्पृश्य समाज को जो है हिंदू धर्म में आज भी, हिंदू समाज के जो ठेकेदार है उनके समाज में आज भी इंसान माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा है, क्योंकि ये व्यवहार तो जो है ये साबित करता है कि हमें इंसान भी नहीं माना जा रहा है। हम जो पढ़ लिख गए हैं, हम लोग जो सक्षम है, हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, हमारे साथ कोई भेदभाव, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब सब खत्म हो गया, जातिवाद खत्म हो गया, वो भूल जाते हैं उनके साथ जातिवाद के व्यवहार इसलिए नहीं होता है कि उनके पास बाबा साहब के वजह से जो मिली हुई शिक्षा है, जो अधिकार मिले हैं, जो धन की ताकत है, उनके पद की ताकत है या शिक्षा की ताकत है, उसके वजह से किसी की हिम्मत नहीं होती है सामने से व्यवहार करने। लेकिन चाहे हमारा आदमी चाहे डीएम की पोस्ट पहुंच जाए, चाहे मंत्री बन जाए, जब भी व्यवस्था को मौका मिलता है तो सामने से ना सही तो पीछे से लात मारती है। तो इसलिए कोई जो भी ये सोचता है कि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होता जातिवाद के आधार पर, वो बहुत बड़े भ्रम में है। और ये चीज जो हमारे लोग जो गांव में रह रहे हैं, जिनके पास इस तरह का कोई शैक्षिक वातावरण नहीं है, और इस तरह के जो हम शहर में एक दूसरे की मदद कर लेते हैं, बाबा साहब के जो एहसानों के वजह से हम इस लायक हो गए कि हम मनवादी व्यवस्था का मुकाबला कर लेते हैं, ये मुकाबला करने की ताकत जो है हमारे उन लोगों में जो गांव में रहते हैं उनमें नहीं है, तो उनको इसी प्रकार से व्यवहार का सामना करना पड़ता है जैसा कि मनीषा को करना पड़ा। शायद मनीषा की जगह कोई ओबीसी समाज की बेटी होती और उसके साथ अगर वो करते तो शायद इतना व्यवहार नहीं करते, उसके साथ भी निर्दयता वाला व्यवहार करते, लेकिन ये वाला व्यवहार नहीं करते। सवर्ण समाज की बेटी होती तो खाली बलात्कार करके छोड़ देते, या हो सकता है बलात्कार भी ना करते, वैसे डांट वाट के जो भी बदतमीजी करके छोड़ देते। लेकिन
जैसे जैसे जाति नीचे चली जाती है वैसे ही सवर्ण समाज का जो उसको सबक सिखाने का जो उनकी मानसिकता है वो नीचे चलेगा, वो क्रूरतम होती चली जाती है। अगर एससी समाज की बच्ची है तो उसके साथ तो क्रूरतम व्यवहार वो करते हैं जो कि मनीषा के मामले में करके दिखाया है। मैं सविता जो हमारे साथ ऑक्सफोर्ड से जुड़ी हुई है, मैं सविता जी के पास आना चाह रही हूँ कि आप लोग बाहर भारत को कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को लेके, जिस तरीके से, हालांकि ये इस तरीके का क्रूरतम तो पहला ही केस होगा शायद पूरे भारतीय दलित समाज में, लेकिन इससे पहले भी बहुत केस हुए हैं। पानीपत की घटना देख लीजिए, मिर्चपुर कांड हुआ था, गोहाना कांड हुआ था, तमाम उनाव केस, खैरलांजी की घटना, कितनी सारी घटनाएं होती हैं हमारे सामने। आप भारतीय समाज को और खासकर ये जो दबा कुचला समाज है इसमें इस तरीके की, ये खासकर जो मनीषा के साथ घटना घटी है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? पहले तो जय भीम सभी को। एक्चुअली जब से ये केस हुआ है जो मनीषा वाल्मीकि का, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही बैड फील हो रहा है कि लास्ट यू नो फ्यू डेज से, जबकि आई थिंक दिस इंसिडेंट हैपन ऑन द 14th of September, और 14th of September से लेकर अब तक अगर देखा जाए 9 days जो बच्ची को होश नहीं आया, जो उसके साथ केस हुआ, जो रेप किया गया 4 लड़कों की तरफ से, जिनके नाम संदीप ठाकुर, लवकुश ठाकुर, राजकुमार ठाकुर, रामू निक नेम है रवि ठाकुर, इनके द्वारा जो रेप किया गया, जो स्वर्ण जाति के हैं। और मैं ये कहना चाहती कि जिस तरीके से लड़की को टॉर्चर किया गया, उसकी जुबान काटी गई, उसकी गर्दन काटी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो तोड़ी गई, जुबान उसकी काटी गई कि वो कुछ बोल ना सके, जुबान उसकी इसके लिए काटी गई कि वो रेपिस्ट के नाम ना बता सके, जो उसके साथ केस हुआ वो उसको उसका जो मीडिया को या प्रशासन को या वो अपनी रिपोर्ट ना, इसलिए उसकी जुबान काटी गई थी। लेकिन उसकी अगर देखा जाए उसकी वीडियो जो है ना वो वायरल हो रही है, उसने अपना जो अपनी तरफ से उसने बात कही है किस किसने रेप किया है, किस किसने क्या किया है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो ये इंसिडेंट हुआ है, हम लोग कहते हैं कि जातिवाद फिनिश हो गया है, जातिवाद फिनिश नहीं हुआ है, जातिवाद चरम सीमा पर है, और ये लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति जो है वो दोबारा से लागू की जाए। और मनुस्मृति में आपको खुद पता है कि उन्होंने कहा कि ढोल गवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो उन्होंने जो नारी की जो स्थिति है ना वो उन्होंने एक जानवर की तरह ही बताई है। ये तो हमारे बाबा अम्बेडकर जी हैं जिन्होंने एक्चुअली हम लोगों को औरतों को राइट्स लेकर दिए हैं सभी कि हम लोग आवाज अपनी बुलंद कर सके। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी फिर भी अगर देखा जाए सिचुएशन जो है एट द मोमेंट वो जातिवाद जो है वो हर एक कोई भी पोजीशन हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो सरकार में हो, नॉर्मल जॉब्स में हो, सभी में ही जातिवाद होता है, सभी में होता है जातिवाद। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें गलत होती हैं, लेकिन हम लोग जो है ना हमारी यहाँ पर सिस्टम ऐसा बना हुआ है, हम लोगों को ज्वाइन करना पड़ता है कि हम लोग आवाज उठा सकते हैं, उन तक आवाज पहुंचा सकते हैं। लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया में तो वह सरकार भी इनकी है, ब्राह्मणों की सरकार है, मीडिया भी इनकी है, जजेस भी इनके है, सब कुछ इनका है, तो हम लोग आवाज उठाए तो उठाए कहाँ पर, दबाए, हमारी आवाज जो है वो दबाई जाती है। और लड़कियों के साथ मोदी जी ने 2014 में यही नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, यही नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन टोटली ओपोजिट हो रहा है हमारे दलित समाज के साथ, हमारे दलित बेटियों के साथ। आपने जैसे कहा कि ये केस पहला केस हुआ है, केसेस बहुत होते हैं, ठीक है दलित के साथ हुआ, पर बहुत से जैसे आपने अभी मेंशन किया उनाव केस हुआ, पानीपत केस हुआ है ना, गोहाना केस हुआ, ये दलितों के साथ बहुत अत्याचार थे। अभी अभी दिल्ली में जो मकान तोड़े गए थे दलितों के वो भी हुए, और जो अभी सरपंच की तरफ से शराब पिलाई गई थी वो उसमें से बहुत सारे लोग मरे थे, वो जो लोग मरे थे वो भी दलित थे। सो बहुत सारे केसेस हैं जो रिसेंटली हो रहे हैं, तो मीडिया जो है ना वो आवाज
उठाता है उन लोगों की, जैसे निर्भया केस हुआ, निर्भया थी वो उच्च जाति की थी, उसकी आवाज उठाई गई, कैंडल मार्च किया गया, लोगों की तरफ से, सेलिब्रिटी की तरफ से आवाज उठाई गई। तो जब जो प्रियंका रेड्डी है, उसकी डॉक्टर है, उसकी आवाज उठाई गई, ठीक है ना। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जब उनका इनकाउंटर हो सकता है, जब निर्भय केस में इतने सालों के बाद उनको फांसी हो सकती है, लेकिन ऐसी बिल क्यों नहीं पास किया जाता कि रिसेंटली जब ये सभी बयान आ जाते हैं, सभी आरोपी घोषित जो हो जाते हैं कि हाँ इन्होंने आरोप किया है, इन्होंने यू नो ये इंसिडेंट जो है वो इन्होंने किया है, तो सर्टनली बिल ऐसा पास होना चाहिए कि 30 डेज में ही उस पर्सन को सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, इंडिया की सिचुएशन है ना, लोग डरते हैं इंडिया आने के लिए भी, लोगों को पता है कि वहां पर जो पीपल है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इतनी रेपुटेशन बैड बना ली है इस सरकार ने, इस इंडिया की सरकार ने यहाँ पर भी, कि लोग जो है ना, यो जो अभी जो केस हुआ है मनीषा वाल्मीकि का, और जो सभी एक्चुअली एकत्रित हो रहे हैं लोग यहाँ पर भी, लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, मैं उनको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि ये बात हुई है, और उनको सॉरी फील भी हो रहा है कि जातिवाद के आधार पर ऐसा किया गया है। जस्ट इमेजिन करो कि दलित होने पर अगर वो लड़की घास लेने गई, घास काटने गई है वहां पर अपनी मोम के साथ, उसके साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, तो जस्ट इमेजिन कर, और जस्ट इमेजिन कर कि 19-year-old बच्ची के साथ ऐसा हुआ, कैसे उसको टॉर्चर किया गया होगा, कैसे उसको सभी के सामने उसको और आई थिंक मुझे ये सुनने को भी मिला है कि उसमें से एक लड़के ने घर जाके भी बताया था कि ऐसे ऐसे हो गया, लड़की डेथ हो गई है वगैरह वगैरह, उन्होंने मारने की भी ट्राई की है। ये तो बच्ची जो थी उसने सरवाइव किया, यू नो 9 days उसको होश नहीं आया, लेकिन चलो 15 दिन के बाद इस बच्ची की डेथ हुई है। जस्ट इमेजिन करो कि अभी भी मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को एक्चुअली जागना चाहिए, हम लोगों को आगे आकर इस पर आवाज उठानी चाहिए, हम लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आज उस बेटी के साथ हुआ है, कल को हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। चौहान सर, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आप इंटरनेशनल टीवी के माध्यम से तमाम इश्यूज पर बात करते हैं, आजाद टीवी के माध्यम से, आप इस पूरे घटनाक्रम को जो हुआ एक लड़की के साथ, न केवल मतलब जघन्य अपराध है, बल्कि उसको इस हद तक मतलब टॉर्चर किया गया एक तरह से कि वो जिंदा बचे भी तो उनका नाम तक ना ले पाए, आप इस घटना को कैसे देखते हैं सर? रविंद्र डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमें याद किया। आपको पता है आप हमेशा हमारे जात टीवी पर, आप इधर इंग्लैंड में बहुत बार आ चुके हो, आपको पता कि हम ऐसी कोई भी घटना होती है हम पहले वो उसका प्रूफ देते हैं। मैं सभी दर्शकों को पहले जय भीम, जय गुरुदेव, जय भगवान वाल्मीकि जी, जय भारत कहना चाहता हूं। और उसके बाद मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, जैसे आपको पहले पता है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं, कल शाम को 7 to 8 तक जो हमारा स्काई टीवी स्काई चैनल है उस पर 7 to 8 पर हम इसी विषय पर ये प्रोग्राम दे रहे हैं। वो इसका ऐप आप डाल सकते हो, वीनस टीवी ऐप कर सकते हो, और ऑनलाइन व्हाट्सएप नहीं ऑनलाइन कॉल भी कर सकते हो, जो आज हम सभी से बात कर रहे हो कल को भी ये बात कर सकते हो। हम रमेश कनेल और मैं आपकी अपने तौर पर सारी जो जो जिस फैमिली के साथ ये हैपन हुआ उनके साथ हम अपनी सहमति जाहिर करते हैं, और हम आजाद टीवी की औरतें जिसको कंडेम करते हैं, जो जो ये आज नहीं हुआ कौशल जी, आप जानते हो आज नहीं हुआ, पते सदियों से हो रहा है। ये कितने कितने ये जो बच्ची वाल्मीकि सभा की वाल्मीकि बच्ची ने सभी जी ह्यूमैनिटी के तौर पर देखे, हम भी सभी की बच्ची है, ये किसी के साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ, मुझे ये नहीं पता भी जो जो भी ये हुआ पिछले 14 से आज तक या रात तक ये ऐसे हुआ, ये पहले जो सरकारें थी जो पता चल चुके उन्होंने क्यों नहीं ये बात की। आज जो सब हमारे समाज को दबाने की बात हो रही है, हमारे समाज को एक छोटा कराने, जो ये घटना हुई ये हमारे समाज को एक छोटा बनाने के लिए उन ठाकरों ने किया। आज लोड है, हम हमेशा आपने भी इधर हमारे चैनल पर बोला था हमको इकट्ठे होने की जरूरत है, पर बात ये है हम इकट्ठे नहीं हो रहे। जितना चिर
हमारे जो भी चाहे हमारी कम्युनिटी के जो हमारे राजनीतिक नेता है या हमारे और भी सामाजिक नेता है, जितना चर उनके कान पर जो ने सिरकती उतना चर हम ऐसे जुर्म सहते रहेंगे। इसमें कोई बात नहीं, हम इकट्ठे हो रहे हैं और हो रहे हैं, पर जब भी मौका मिलता। पहले तो बात है, जो लोग हमारे साथ खड़ा नहीं होते, 5 साल के बाद हम फिर उनको वोट देकर आगे लेकर जाते हैं। 5 साल हमारी कोई बात पूछता नहीं, ये इन लोगों को पता नहीं हमारी बच्ची के साथ ये हो चुका है, ये हुआ है, वो किधर है, क्या कर रहे हैं वो लोग। मुझे एक पता है, मैं चैनल पर देख रहा था, जो एक शेर है, शेर अकेली अकेली जानवर को, मज को या किसी को वो मार के खा जाता है। मैं एक देखी वीडियो, शेर को 25-30-40 भैंसे है, वो शेर के पीछे भागती है, भागती है, शेर आगे आगे जाके उसको कुचल देती है, मार देती है। तो इसका मतलब जो एक एक हाथ से हम कुछ कर नहीं सकते, जब भी हम हमारे पास एक उंगली से हम कुछ नहीं कर सकते, जब भी हमारा एक 5 उंगली इकट्ठी हो जाए ना, हम किसी को मारेगी भी ना, वो उसके पर असर होगा। इसलिए हम मैं सारे को बेनती करता हूँ, सारी सत्रह बहनों भाइयों को, चाहे इसका मतलब ना वाल्मीकि भाइयों को, सभी को, SC ST OBC और सारी ह्यूमैनिटी के नाते पर मैं अपने टीवी चैनल से माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ। आओ इकट्ठे होके अब कितना तेरे जुल्म चलेंगे, एक ह्यूमैनिटी के देख के वो बच्ची को कितने कैसे तंग किया, कैसे कैसे किया, क्योंकि ये तो सरकारों को चाहिए, जो ST बैठा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, ओवरनाइट उनको पकड़कर दूसरे दिन जो इमरजेंसी कोर्ट को बुलाकर उसको तो फांसी होनी चाहिए। पहले तो जो 3-4 बच्चे को फांसी हुई, दरिंदों को फांसी हुई, बच्चे नहीं दरिंदों को फांसी हुई, ये इसका भी ऐसा ही असर हो। हम देखते हैं इन अरबों में आज कुछ भी होया, दूसरे दिन शरेआम उसको गोली मारते हैं, उधर जुल्म कम होते हैं, काट जाते हैं, हमारे क्यों नहीं हो रहा, हम क्यों नहीं कर सकते। ये तो मैं हमारे प्रधानमंत्री या हमारे जो भी नेता है उनको मैं अपने माध्यम से एक बेनती कर रहा हूँ, आओ अपने जो लोगों को बचाओ, बच्चों को बचाओ और भगवान से डरो, क्योंकि भगवान से डर के काम करो फिर होगा। इसलिए हम सब इकट्ठे हो चुके हैं, जब भी कोई ऐसा मौका आता तभी हम ऐसा जो को प्रोटेस्ट। आज ये देखो मैं छोटी सी बात करना, जो किसानों की बात हुई, किसानों के साथ बिल क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने सारा कुछ चक्का जाम कर दिया। इस करके मैं अपने माध्यम से रमेश के लिए मैं रविंद्र चौहान और कौशल जी को बधाई देता हूँ, जिन्होंने एक जो पहल की, पहल करने के बाद जो इन्होंने एक मैसेज दिया, हम भी एक अपने टीवी चैनल कल को भी मैसेज देंगे, आज भी दे रहे हैं, और कम्प्लीटली कंटेम कर रहे हैं, और सरकार को बेनती कर रहे हैं और सारे समाज को भी बेनती कर रहे हैं, आओ इकट्ठे होके हम एक हमला मारिए, ताकि असि जब भी हमारे बच्चों पर ऐसा जुल्म होता है, जब भी ऐसा हुआ हम कह के फिर भूल जाते हैं, अभी फिर इससे पहले भी और भी ज्यादा ऐसे जो जुल्म हुए, आओ ये सोचे इकट्ठे होके कल की हमारी बहन हमारी बच्ची या किसी की बेटी पर ऐसा जुल्म ना हो। थैंक यू। जी जयंत जी, आप बताइए आप इसको कैसे देखते हैं पूरी घटनाक्रम को, मतलब क्या मैं प्रतिक्रिया सब देश के बाहर जो एक इंटरनेशनल एक सोशल प्रेशर ग्रुप की तरह काम करे और मनीषा को न्याय मिले, इसके लिए आप इसको कैसे देखते हैं पूरे मामले? मैं थोड़ा सा इस पर लीगली भी चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ रह रहा हूँ 30 साल से। सबसे पहले तो ये है कि देखिए, एक आदमी का तो काम नहीं था, पुलिस को शुरू से पता था, एक आदमी कर ही नहीं सकता, उसकी हड्डी भी तोड़ दे रीढ़ की, उसकी जीभ भी काट ले, उसको खींच के ले जाए, एक आदमी का काम नहीं था, जबकि उसकी मदर वहां थी। शुरू से पुलिस को क्या अनजान थी इस मामले से, पुलिस क्या ये एक आदमी क्या पुलिस नहीं जानती थी क्या? सबसे पहले तो इसको नेग्लेक्ट ही किया गया, सबसे पहले तो पुलिस वालों को ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए बड़ी स्ट्रिक्ट, के उन्होंने किस तरीके से इस मामले को रफा दफा टालने के लिए गोल मोल घुमाया, ये धारा वो धारा लगाई। एक को जब अरेस्ट किया था तो उससे पूछ नहीं सकते थे आप, उसको रिमांड सेल में लेके, उसको पुलिस की मॉरल ड्यूटी थी लीगली, ऐसा ही होता है ना हर केस में पूछा जाता है रिमांड में, भाई कितने लोग थे क्या थे, अब तक के जितने केस हम सुन रहे हैं यही हो रहा है, खैर नहीं पूछा गया। अब वो SDM साहब का भी एक बयान सुन रहा हूँ, उसमें वो कुछ लाख देने की कोशिश, आपकी बातचीत में थोड़ा सा और मिलाना चाहूंगी, वो ये जी ना केवल पूछा गया
बल्कि जब उस जब ये घटना घटी, दिन की घटना है, लड़की घास लेने गई हुई थी, वो घूमने नहीं गई हुई थी निर्भया की तरह, ठीक है, वो फिल्म नहीं देख के आ रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो जीविका के लिए अपने घर से बाहर खेत गई हुई, गरीब परिवार है वो। ऐसे हो सकता है कि एकदम चार पांच लड़के उसके ऊपर टूट के पड़े और उसको मारने की हद तक प्लानिंग है, ये वेल प्लान्ड केस है। घटना की जैसे इस घटना की जानकारी मिलती है तो पुलिस वाला जो उसके पास पहुंचता है वो सिर्फ एक लड़के का नाम लेता है और ये कहता है कि मारपीट की घटना है, विडंबना। मैं वही कह रहा हूँ, जबकि उसके कपड़े पहने थे, पूरी पूरी तरह हालत में वो लड़की मिली है, और इसके बावजूद वो ये कह रहा है कि SC ST एट्रोसिटी का मामला है और तुम 370 में लगाओ और रफा दफा करने की कोशिश। देखिए SC ST एक्ट का मामला तो एकदम वो इसलिए ना ताकि उसको उस तरीके से रेप केस की तरफ लेके ना जाया जाए, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, उसको मोल्ड कर दिया जाए, उस रास्ते को ही बदल दिया जाए। वो तो पहली स्टेज से क्लियर हो गया है। मैं SC ST कमीशन को जानता हूँ, पिछले 14-15 साल से भुगत रहा हूँ वो ठंडा बस्ता, वहां कुछ नहीं होता। कभी उस पर भी जिक्र कर दूंगा, जितना मैंने ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए इंडिया में SC ST कमीशन ऑफिस को डील किया है, शायद ही कोई जानता हूँ। सारे कमिश्नरों से, चेयरमैनों से मिला हूँ, वहां से किसी को कोई न्याय मुझे तो आज तक नहीं मिला, ना मेरी फैमिली को मिला। एनीवे, पर इस केस में सबसे पहले बेसिकली तो उन पुलिस वालों को उठाया जाए, सबसे पहले जो फेल हो गए अपनी ड्यूटी में उनको टर्मिनेट रिमूवल फ्रॉम सर्विस करके उनके ऊपर लीगल एक्शन हो कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर, वो फेल हो गए अपनी जॉब, उन्होंने जान के नेग्लिजेंस ही करी। और दूसरे में वो SDM साहब बयान दे रहे कि 5 लाख दे दिए और 4 लाख दे दी, 10 लाख दे दिए, वो क्या सौदा कर रहे हैं उस बच्ची की असमत का, उस गरीबी का मजाक उड़ाने उन लोगों का। भाई आप 10 लाख 20 लाख दे देंगे, क्या उनकी बेटी वापस आ जाएगी? उनके दर्द को, उनके पेन को आप उसे भर देंगे उस मलम से? अगर आपकी बेटी के साथ हुआ तो आप यही बात कह रहे होते टीवी चैनल पे बैठ के कि जी हमने इतना कंपनसेशन दे दिया, अपने ड्यूटी के लिए बिल्कुल फेल हो गए। अब दूसरी बात ये कहूंगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कहते हैं, चलो उनकी छवि उन्होंने कुंभ में वाल्मीकि समाज की लेडीज के पैर धोके बड़ा नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में तारीफ हुई थी उनकी, भाई चलो ये प्रधानमंत्री आए। अब क्या हो गया, कहां है वो सत्ता? उनकी सत्ता है, एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा, एक भी एक्शन नहीं हो रहा। योगी जी ने फूल तो बरसा दिए थे कांवड़ियों के ऊपर, चलो बड़ी अच्छी बात है, धार्मिक सम्मेलन था, कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से लाखों रुपए के फूल बरसा दिए। क्या इस बेटी को हेलीकॉप्टर से स्ट्रेट अवे दिल्ली नहीं भेजा जा सकता था, जो इतने दिन वेट किया गया उसके लिए, उसको मरने के लिए उसकी जान बचाई जा सकती थी? मैं आपको बता दूं 100% उस बेटी, बड़ी बात, वहां का सांसद है, वहां का वो दिलेर साहब है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जी हाँ, मैं जानता हूँ उनको, मैं अब क्या नाम लूं उनका, वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह है, बहुत पहले से जानता हूं उनको, उनको आगे आ जाना चाहिए था। हालांकि स्वराज जो है, दूसरे जो है, मैं नाम भूला उनका, वो आ गए हैं आगे, जो अलीगढ़ से सांसद है वो दूसरे तो आ गए हैं, जीवन जी गए थे वहां, क्या स्वराज जीवन जी गए थे, मैं उनको भी जी हाँ, वो मेरे पिताजी के मित्र थे, मेरे पिताजी नहीं, अब डेथ हो चुकी है 92 में, सॉरी 2016 में, मगर वो कांग्रेस के मेंबर रहे, बहुत पुराने कांग्रेसी हैं मेरे फादर थे। एनीवे, पूरी फैमिली फ्रीडम फाइटर। एनीवे, पर मैं यही कह रहा हूँ, जब योगी जी फूल बरसा सकते हैं, हेलीकॉप्टर इतनी यूज कर सकते हैं, क्या उस बेटी को एयर, उसकी जान की इतनी भी कीमत नहीं समझी थी उसको एयरलिफ्ट करके अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उसकी जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि बच्ची रिकवर कर गई थी, होश में आ गई थी। ऐसे केस जब यहां आते हैं तो यहां बच जाते हैं, फॉरेन कंट्री, यहां मरने नहीं देते, यहां तो मुर्दे में जान डालते हैं। जब आपने, आपकी इंटेंशन ही नहीं थी, मैं कहता हूं बचाने की, उसका जबान बंद करनी थी ताकि वो मामला खुल ना जाए, तो ये तो बड़ी वेल प्लान लगती है मुझे, ये बहुत अच्छी साजिश है। मैंने संदीप वाल्मीकि जी के जो आम आदमी पार्टी में मेंबर थे और जो चंद्रशेखर रावण के बहुत अच्छे स्टेटमेंट सुने, वो हैं शेर जो बोलते हैं अपने समाज के लिए, और मैं चाहता हूं उनका हाथ मजबूत भी किए जाए, समाज को इकट्ठा होके ना एक झंडे के नीचे आ जाए, अलग अलग ग्रुप में तोड़ में कभी नहीं कुछ हो सकता, एक गुट होंगे जब तक जब ही होगा। और इस मैटर को मैं ये चाहूंगा 100% इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, मैं बाहर, इंडिया से बाहर इसको डील किया जाए, इसकी न्याय के लिए और सब दोषियों के लिए, उनके नाम वहां पे उनको इंसाफ मिलेगा, इंडिया में इंसाफ नहीं मिल सकता, क्योंकि हम जानते हैं हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ सिस्टम क्या हो गया है। जब SC ST एक्ट को ही खत्म किया जा रहा है, देश के संविधान को ही मिटाया जा रहा है, आप वहां न्याय की उम्मीद क्या कर सकती है? आपको दलितों को न्याय मिलेगा? मैं तो पहले भी अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ, इस जाति के नाम में ही बदबू है, लोग हमारे नाम से ही जल जाते हैं कि हमने उनका क्या बिगाड़ लिया। भाई जो इंसान सफाई करता है, जो सबको सुरक्षित
जीवन साफ सुथरा करता है उसके साथ आप नफरत कर रहे हो, इससे बड़ा हीनस क्राइम किया है। जिन चारों लड़कों ने किया है उनको तो सबसे पहले फास्ट ट्रैक विद इन 3 मंथ्स योगी जी को चाहिए, अब आके सामने विद इन 3 मंथ्स फास्ट ट्रैक में डाल के 101% चारों को फांसी दे, क्योंकि बेटी ने कंफर्म कर दिया उसने कि यही चारों थे, तब तो शक की कहीं गुंजाइश थी ना। और एनकाउंटर भी नहीं करना इसमें, इसमें तो भाई एनकाउंटर बहुत होगा और बड़े हंसी का खेल। मैंने ही पूरा ऑस्ट्रेलिया हंसता जब मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे गोरे सुनते हैं ना, ये एनकाउंटर हो गया क्या हो गया, जब हाथ बंद करके हथकड़ी लगा के ला रहे हो जी एनकाउंटर हो गया, भाग रहा था कैसे भाग रहा था, कोई वो चिड़िया है परिंदा है जो कि आपने पिंजड़ा खोल दिया वो उड़ गया, क्या मजाक है। एनीवे इसकी बहुत भद्द उड़ी है पूरी दुनिया में। अब मेरे पास क्योंकि रात का वक्त है ना, मेरे यहाँ गोरे मित्र नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं उन्हीं के मुंह से सुनवाता इंडिया की क्या इमेज है, एक रेपिस्ट कंट्री की इमेज आ रही है इंडिया में, कि इंडिया में जाते हैं और वहां रेप हो जाते हैं, इंडिया में जाते हैं कितने यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिए ना, मैं नहीं कह रहा ये यूट्यूब चैनल कह रहे हैं, हम लोगों से सुनते हैं कि वहां तो रेप होते हैं लड़कियों के, वहां तो मजाक हो रहा है, शर्म से सर झुक जाता है कि हम अपने को भारतीय कह रहे हैं, हम भारत बैकग्राउंड से आए हैं, बताओ हमारी कंट्री का ये हमारी कंट्री का रूप रह गया जहां पे हम दुर्गा जी को लक्ष्मी जी को पूज रहे हैं देवी मान के हैं गॉडेस को, और हम उसी नारी का अपमान भी कर रहे हैं, उस नारी का हम ये सम्मान अभी 17 तारीख से दुर्गा और उसी नारी का हम ये सम्मान अपमान करते हैं, कितना गंदा काम घृणित काम किया उन चारों लड़कों ने ठाकुरों ने। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ इनको चारों को विद इन 3 मंथ्स आ जाए फांसी पे बिल्कुल, और उसमें योगी जी आए और प्रधानमंत्री इंटरवीन करें जी। हमारे साथ दयाल सिंह सर जुड़े हुए हैं, डीके मेघवाल, मेघवाल जी आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार नमस्कार बोलिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले तो मैं कहता हूँ कि जो घटना हुई है वो इतनी इतनी मान्यता के साथ इतना युवस कह रहा है कि सोच के भी मतलब कांप उठते हैं जिस तरह से वो किया है। लेकिन मैं इस घटना के लिए मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो डर नहीं है उन लोगों में, उस डर के पीछे हमारा जो राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो लोग हमारे बीच आ जाते हैं वोट ले जाते हैं, लेकिन जब सरकारें बन जाती उसके बाद उनसे कोई जवाब भी लेते नहीं, वो लोग फिर उन्हीं के पास बैठे होते हैं, मनुवादी लोगों के हाथ में सत्ता है, अब उनकी जवाबदेही कुछ बनती नहीं, किसी भी पार्टी को हम वोट दे दे लेकिन जब हमारी बेटियों के साथ अन्याय होता है अत्याचार होता है हमारे समाज के साथ अन्याचार होता है तो हमारी लड़ाई सिर्फ हम ही लोगों को लड़नी पड़ती है। हमेशा आप देख लीजिए हर केस में दलित बेटी के साथ कुछ अन्याय होता है, चाहे हरियाणा में हो रहा है चाहे राजस्थान में हो रहा है चाहे मध्य प्रदेश में हो रहा है चाहे दिल्ली में हो रहा है, दलितों की लड़ाई सिर्फ दलितों को ही लड़नी पड़ रही, बाकी कोई नहीं आता। तो हमें भी हमारे सोर्सेज को इसी फोकस में लगाना चाहिए कि हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ हमारी बहन बेटियों की लड़ाई लड़ेंगे, हमारी बहन बेटी के साथ कहीं भी अन्याय हो तो हमें हमारी अपनी सब कास्ट को छोड़ करके सिर्फ एक झंडे के नीचे आकर के ये कहना चाहिए कि हम सब बाबा साहब की संतान है, हम सब गौतम बुद्ध की संतान है, हम सब भगवान वाल्मीकि की संतान है, हम सब मिलकर के हमारी बहन बेटे के साथ लड़े, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। मैडम मैं वैसे राजस्थान से हूँ, फिलहाल हरियाणा सिरसा में हूँ यहाँ पे जी। मैं आप सबसे एक सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्या वो लगता है आपको इसके माध्यम से मनीषा को हम न्याय दिला पाएंगे जिस तरीके से हरकत की गई है प्रशासन के द्वारा? क्या आपको नहीं लगता इसमें कि अगर ये दिल्ली में रहते परिजन उनके तो इसको एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तरह और ज्यादा मजबूती से लिया जा सकता था, लेकिन रातों रात बिना परिजन से मिले उनका अंतिम संस्कार कर देना कहां तक न्यायचित आपको लगता है? कमल सर मैं आपसे जानना चाहूंगी चर्चा हमारी। ये तो उन जिस तरीके से उन्होंने किया है रात में ही संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया है, तो उनको वो पूरी तरीके से उनकी पूरी तैयारी हो गई थी यहाँ से चलते ही। पहले तो बॉडी उनकी अलग हटा दी गई, परिवार को यहीं पर भी मिलने नहीं दी गई, परिवार के उनके पिता वगैरह यहाँ पर धरने बैठे रहे थे। जब बाद में उनको जबरदस्ती उनको ले जाया गया, बताएगा कि नहीं बॉडी जो है अलग गाड़ी से जा रही है, उनको ले जाया गया और वहां पर उनको पहले से तैयारी कर रखी थी कि हमें इसको बॉडी को ले जाके 3 बजे पुलिस के द्वारा उसकी अंत्येष्टि कर देनी है। और ये सिर्फ काम केवल इसलिए किया गया था जिससे कि अगर बॉडी वहां पहुंचती। और इसमें एक चीज और मैं मिलाना चाह रही हूँ, क्या कानूनी रूप
से ऐसा सही होता है कि रातों रात किसी का दाह संस्कार किया जाए बिना परिजन की बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, कानून की तो पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी गई है। ऐसा तो कहीं नहीं है कि जिसका बच्चा मरे और उसके माँ बाप को मिलने तक ना दिया जाए, उनके उनसे पूछा भी ना जाए। लोग तो दाह संस्कार तो परिवार का दायित्व तो होता है, वो उसके कोई रिश्तेदार अगर दो दिन बाद आना चाहते हैं उनका वेट किया जाता है तब उसके बाद दाह संस्कार होता है। सरकार का काम दाह संस्कार करना नहीं है। दाह संस्कार के समय अगर कोई लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है तो उसको संभालना सरकार का काम है। सरकार ये डिसाइड नहीं कर सकती कि दाह संस्कार तुरंत किया जाए और वो भी रात के टाइम किया जाए। रात के टाइम ये तो बिल्कुल ही ये पूरी तरीके से जाति मानसिकता था कि उन्हें मालूम था कि अगर ये बॉडी रही तो एससी समाज के लोग वहां इकट्ठे होने लगेंगे। चंद्रशेखर जैसे ही वहां पे रात में ही चंद्रशेखर बीमारी वाले यहां से चले थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया बाद में पता चला क्योंकि उनको पहुंचने नहीं दिया गया वहां पर। तो ये उनको पूरा मालूम था। दिल्ली में अगर रहते थे बहुत बड़ा बवाल होता, तो इसलिए दिल्ली से हटाना बहुत जरूरी था जिससे कि बवाल जो है छोटा हो। और अलीगढ़ में हाथरस में भी अगर दिन में होता तब भी वहां बवाल होता। तो वो ये कि इस बवाल को, इस ताकत को जो दलित समाज की ताकत है, इस घटना के वजह से एकत्रित ना हो, मजबूत ना हो, उस ताकत को रोकने के लिए उन्होंने ये काम किया। तो निश्चित रूप से इतने आसानी से तो मनीषा को न्याय नहीं मिलने वाला है। मिलने वाला है अगर हम चाहे किसी भी कोर्ट में चले जाए। आप देख लिए आज बाबरी वाले मामले में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सबको छोड़ दिया। इससे पहले भी तमाम हुआ है, राम मंदिर का मसला हो, तो इस तरह हम सोचें कि न्यायपालिका से भी हमें न्याय मिलेगा तो ये भी गलत है। न्यायपालिका भी उन्हीं के साथ है और सत्ता में तो वही लोग हैं। हम उनके लिए हिंदू नहीं है, हम उनके लिए हिंदू केवल वोट के समय है, तो इसलिए हमें न्याय नहीं मिलेगा। न्याय लेना है तो सबको सड़क पर उतरना होगा और राजनेताओं से के भरोसे नहीं उतरना है। सामाजिक संगठनों, सामाजिक नेताओं को जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उनको एक साथ आना होगा और अपने अपने समय की, अपने जीवन की कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी सड़क पर आकर, तभी कुछ न्याय मिल सकता है। निर्भया को अगर न्याय मिला था मनमोहन सिंह की सरकार में तो उनका समाज पूरी तरह सड़क पर उतरा था, रामलीला मैदान भर दिया था। उसके वजह से यह हाल हुआ था कि, लेकिन आप वहां भी देखिए रात के 3 बजे निगमबोध घाट पर बॉडी आ गई थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आ गए थे लेकिन जब ये बोला गया कि धर्म के हिसाब से सुबह 5 बजे से पहले अंत्येष्टि नहीं होगी तो सुबह होने का इंतजार किया गया, लेकिन यहाँ सब कुछ कर दिया गया। तो इसलिए हमें सबको सड़क पर आना होगा तभी कुछ हो सकता है। क्या वजह रही कि जब निर्भया जब का केस हुआ तो उसके लिए सुबह का इंतजार किया गया? क्या दलित बहुजन समाज इतना पंगु बन चुका है कि उनके आंखों के आगे देखते देखते 14 दिन तो निकले ही निकले, मरने के बाद भी हम उनके दस संस्कार तक को रोक नहीं पाए? आप न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? आपने जो शुरू में ही कहा था कि इसके लिए हम लोग भी दोषी हैं, तो शायद ये हमारी हमारी जो ये कमजोरी है उसको वो समझ गए थे। निर्भया के मामले में वो तो उन्हीं के समाज की थी, तो इसलिए उनको समाज को भी खुश करना था, धार्मिक विश्वासों का भी, अनुष्ठानों का भी ध्यान रखना था, परंपराओं का ध्यान रखना था, लेकिन हमारी वो कमजोरी समझ चुके थे कि 14 दिन से ये वर्ग शांत है, अब तक इसके अंदर उबाल नहीं आया है। इसलिए उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि रात में माता पिता को मिलने तक नहीं दिया गया और वहां दाह संस्कार कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। जी जयंत जी, आप ये बताइए मुझे कि देखो हो चुका जो कुछ होना था, अब हम कुछ नहीं कर सकते। दाह संस्कार हमारी आंखों के सामने हुआ, 14 दिन हमारी बेटी तड़पती रही। आप सोच के देखिए कि एक महिला होने के नाते मैं ये समझ सकती हूँ, अगर मुझे सिर्फ एक दिन में दांत में दर्द हो जाए तो दूसरे दिन ये मन करता है कि जैसे अब खत्म हो जाए खेल। लेकिन इसके बावजूद भी जो बेटी 14 दिन तक तड़पती रही और हमारा समाज खामोश सिर्फ देखता रहा, अब हमने आंखों से अपनी दाह संस्कार होते हुए भी देखा। आप लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल जो एक दबाव जो एक बन जाता है बहुत सारे मुद्दों पे, हमने देखा निर्भया के केस में जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया भी आवाज बुलंद कर रहा था, ह्यूमन राइट्स अलग से था, यूएनओ तक आवाज गूंजी थी, पार्लियामेंट में आवाज गूंजी थी, लेकिन यहाँ इस मामले में खामोश। क्या लड़की सिर्फ वाल्मीकि समाज से आती है इसलिए, या तमाम जितने भी धार्मिक संगठन है वाल्मीकियों के भी, इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वाल्मीकियों के बने हुए हैं, क्या सबके सब नपुंसक बन चुके हैं इसमें कि हम तमाशा देखते रहते? मैं कौशल जी बड़े जोर देकर ये बात कहूंगा, ये इसीलिए किया गया क्योंकि ये वाल्मीकि समाज की बेटी थी और ये सबसे दलित परिवार है, सबसे
दलितों में भी पद्दलित है, मोस्ट डाउनट्रोडन इन द वर्ल्ड, हु डजंट नो दिस, सारे वर्ल्ड को पता है इनकी क्या स्कैवेंजर्स की जिंदगी जीते हिंदुस्तान में। इसीलिए इस पर रात में संस्कार करने की हिंदू रीति, तो जब हिंदू शास्त्र आपको नहीं देते आजादी तो आपने उस बेटी को हिंदू भी नहीं समझा, इसको मतलब आप हमें हिंदू भी नहीं समझते। और ऐसी, और रात में जो छुप करके जो संस्कार किया गया पुलिस के द्वारा, ये तो अनक्लेम डेड बॉडी का किया जाता है जिनकी कोई फैमिली नहीं होती, उसकी तो पूरी फैमिली है, पूरा गांव उसका सपोर्ट था, पूरी लोग उसके साथ थे, फिर भी उनको आपने खदेड़ के भगा दिया और पुलिस वाले उनके घर में उनको सांत्वन दे रहे हैं कि नहीं जी आप, समाज बदल चुका, जमाना बदल चुका, कानून बदल चुका, समझे, ये कौन सी भाषा समझा रहे हैं उस परिवार को। मैं फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा योगी आदित्यनाथ जी, इस केस को एज ए टेस्ट केस उठाइए और ये साबित कीजिए कि आप मानवता के पुजारी हैं, आप योगी हैं सच में। इस केस को विद इन 3 मंथ्स फास्ट ट्रैक में लाइए और चारों को फांसी लगाइए और उन पुलिस वालों को सजा दीजिए जिन्होंने इसमें लारे लप्पे करे इस केस में। इसमें कोई किसी तरह का छूट नहीं होनी चाहिए और इस केस को मैं अपने समाज के लोगों से भी और जितने भी दलित कहूंगा, जो भी बड़ा एडवोकेट है अंबेडकर साहब के, वो हैं जो ग्रैंडसन है, मैं इस केस को एमनेस्टी इंटरनेशनल, हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहिए, केस हिंदुस्तान की कोर्ट में नहीं, बिल्कुल न्याय नहीं मिलेगा वहां पे, न्यायपालिका की धज्जियां उड़ रही है, कौन नहीं जानता, हर रोज तो जनपद पे खड़े हम लोग, वहां का मीडिया बिका हुआ है सारे, जब मैं बताऊंगा लाइव टेलीकास्ट पे, मैं मीडिया को भुगता हूं इंडिया में पिछले 15 साल से, कौन नहीं जानता इसको, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन में उठे आवाज और इनमें कड़ी से कड़ी सजा और विद इन 3 मंथ इस फास्ट ट्रैक में आके होने जाए, कैंडल मार्चो से, और इनसे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं। सविता जी मैं आपके पास आना चाह रही हूँ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री, उनका खुद का बयान ये था कि अगर किसी भी तरह की कोई छेड़खानी का मामला होगा तो जो कल्प्रिट होंगे उनके पोस्टर लगाए जाए। जी मैंने देखा था, आपने कहीं पोस्टर देखा है अभी तक, आप इसको कैसे मैंने, देखा? नहीं मैंने 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 फेसबुक पर मैंने शेयर भी किया था, मैंने वो मैंने पोस्टर देखा नहीं है, लेकिन वो मैंने सिर्फ व्हाट्सएप पर और मैंने फेसबुक पर देखा था, लोगों ने शेयर किया था, पर मैंने ये नहीं देखा कि हाँ लगाया हुआ है कहीं पर भी। अगर लगाया भी हो तो सबसे पहले जो इनके खुद के गुरु है चिन्मयानंद जी, पहले तो पोस्टर उनका लगना चाहिए, बहुत अच्छा, ठीक है ना। दूसरी बात, कुलदीप सेंगर जिसने कि बच्ची का बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद उनकी फैमिली को उनका कत्ल किया गया, एक्सीडेंट करवाया गया, बच्ची को मारा गया, इसको कहते हैं कि सबूत कैसे नष्ट किए जाते हैं, तो उन सबूतों को नष्ट किया गया, ये सरकार ही गंदी है, ये सरकार ही रेपिस्ट है, सरकार में जितने भी लोग हैं मोस्ट ऑफ देम दे आर रेपिस्ट, दैट्स व्हाई अभी तक बिल पास नहीं हुआ, अभी तक बिल ये पास नहीं हुआ है कि रेप केसेस हो तो कब कितने टाइम में, कितने सर्टेन टाइम में सजा मिलनी चाहिए, बिकॉज रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज बीजेपी सरकार में रेपिस्ट है। अगर अगर बिल पास होगा तो सबसे ज्यादा जो बीजेपी सरकार में है वही रेपिस्ट को सजा दिलानी पड़ेगी ना उनको, रीजन ये भी है। और दूसरी बात, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो संस्कार किया गया, फ्यूनरल किया गया 2:30 बजे, ये सबूत मिटाने के लिए किया गया। हम लोग अगर हम लोग देखते हैं, देखो कि हमारे ना उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए और आंध्र प्रदेश में, राजस्थान, हरियाणा के जो दलित समाज है ना, वो अपने आप को हिंदू ही कहता है, वाल्मीकि समाज अपने को हिंदू कहता है, और उनको ये समझ नहीं लगती कि हम लोग हिंदू कैसे हुए। हम लोग ओनली हिंदू उस टाइम पे हैं जब लोग वोटिंग होती है, जब इलेक्शन आते हैं तब हम लोग हिंदू हैं, हमारे तलवे चाटे जाते हैं, हमारे पैर धोए जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाती है तो हम लोग दलित हैं। लेकिन हमारे लोग प्राउडली फील होकर, मैं अपने वाल्मीकि समाज की बात कर रही हूँ, मैंने पोस्टें इतनी देखती हूँ, वो कहते हैं कि हम लोग वाल्मीकि हैं लेकिन पहले हम हिंदू हैं, तो इनको जुतियां पढ़नी चाहिए, ऐसे जुतियां इनको पड़ती हैं, वो बार बार पड़ती हैं, मंदिर में जाते हैं मंदिर में जुतियां पड़ती हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को समझ नहीं आती कि हम लोग मंदिर में क्यों जाते हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों को समझाने की जरूरत है, इन लोगों के जो ब्रेन वॉश किए हुए हैं ना, ये इनके ब्रेन वॉश, ये मानसिक स्थिति जो है ना इनकी कमजोर हो चुकी है, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअली हम लोग कर के रहे हैं। ये जो बच्ची की डेथ हुई है, ये रियली रियली बैड थिंग्स हुआ, इनको समझना चाहिए कि हम लोगों किस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं, हम लोगों को कैसे भगवा भगवा पहनने से ना कोई इंसान नहीं बन जाता,
आपने अभी कहा ना कि भगवा उसने पहना हुआ दिस एंड दैट, भगवा पहनने से कोई इंसान नहीं, इंसानियत नहीं आ जाती, भगवा पहने हुए पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, भगवा पहन के ही ये रेपिस्ट करते हैं, रेप करते हैं लड़कियों का, भगवा पहनकर ही मंदिरों में पुजारी रेप करते हैं, ठीक है ना, तो भगवा को मायने नहीं रखाता, इनको भगवा का मतलब ही नहीं पता कि भगवा है क्या चीज। वो जितने पार्लियामेंट में बैठे, पढ़ा लिखा समाज तो वैसे घूम रहा है, जॉब ढूंढ रहा है, पढ़ा लिखा समाज तो ऐसे सड़कों पर उतर रहा है, जो जो भगवे हैं, जो जंगल राज है ना, जंगल राज है इसीलिए बनाया हुआ कि भगवे वाले हैं, जो पढ़े लिखे अनपढ़ साधु ये जो वहां पर बैठे हुए हैं, ये इन्होंने काम खराब किया हुआ है और किसी ने नहीं किया हुआ है। रविंदर चौहान सर, मैं आपके पास आना चाह रही हूँ, ये अंतिम हमारी बातचीत की कड़ी है। चौहान सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया का दबाव इन सारी घटनाओं के ऊपर बहुत अच्छे से पड़ता है, सरकार कहीं ना कहीं इंटरनेशनली मजबूर होती है कि पूरे पूरे विश्व में थू थू होती है किसी विषय को लेकर, और आपका चैनल तमाम कंट्रीज में रन करते हैं आप इस मुद्दे को आप कैसे मनीषा के लिए न्याय की मांग करेंगे? आपकी अंतिम टिप्पणी मैं चाहती हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से चेयरमैन होने के नाते। जी सर, तो पहले तो आपको पता है भी हम हमेशा की तरह कोई भी इंडिया में घटना होती है हम आवाज उठाते हैं इसी विषय को लेकर। हम पहले जैसे मेरे भाई साहब ऑस्ट्रेलिया से बोल रहे थे, हम चाहे बाहर बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, बाहर बैठे हम प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि इधर प्रेशर, क्योंकि जितना बाहर फॉरेन कंट्री में मीडिया के आधार से, पेपर के आधार से जो मैसेज आएगा, जैसे मैं आपको पहले बताया, हाँ एक बात याद ध्यान पर रखनी चाहिए, जो नेक्स्ट ईयर जनगणना हो रही है उसके लिए हम सभी को उद्यम करना चाहिए। हम हमारे टीवी चैनल की या टीवी कोर से लाखों के हिसाब से स्टिकर हम बांट रहे हैं पूरे भारत में, किसी भी सज्जन को ये स्टिकर चाहिए, एक मैसेज आना चाहिए। पहली गलत मैं बात ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो सफाई करने वाले बहन भाई है, जैसे आर्मी वाले फौजी सरहदों पर लड़ते हैं, जो हमारे बहन भाई है सफाई करते हैं, वो अंदर के वो बिल्कुल सेवादार है, एक बिल्कुल वो सफाई है जो काम कर रहे हैं। आज हमारी बच्ची के साथ ये काम हुआ, ये बिल्कुल ठीक नहीं। जैसे जैसे हमने सभी भाइयों ने जो मैसेज डाला, मैं फिर आपको बोलना चाहता हूँ, कल को 7 से 8 बजे तक शाम को हम हमारे टीवी माध्यम रही स्काई 716 और आप एप्स डाल वीरस टीवी एप्स भी डाल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन हमें फोन करके, खासकर मैं भाई साहब जो ऑस्ट्रेलिया से है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ वे हमें फोन करें, जो मैसेज आज उन्होंने डाला आप डालेंगे। हाँ जी, मेरे पास आपका नंबर नहीं है, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे तो मैं कांटेक्ट कर जाऊंगा। कौशल जी से हमारा नंबर ले लेना चाहता हूँ, मैं लूंगा डॉक्टर कौशल। हम चाहते हैं कल को भी आप भी ऐसा मैसेज जो दिया ना, जरूर हमारा 220 कंट्री ऑल ओवर दी कंट्री ऑल ओवर दी वर्ल्ड जाता है। आपने बहुत अच्छी तरह मैसेज दिया, मैं कौशल जी को पता है टाइम का डिफरेंट है और हमारे डॉक्टर कौशल जी मैं कोशिश, चौहान जी मैं कोशिश करूंगा, तो हम दोनों तो हैं ही, हम दोनों की तरफ से ही सर को भी मैं शामिल कर लेती हूँ। कौशल जी एक मिनट सर, कौशल जी मैं कोशिश करूंगा, कल ऑस्ट्रेलिया के लोग बैठे मेरे साथ और वो बताएंगे वो क्या करते हैं, मैं कोशिश करूंगा, मैं आपके साथ टाइम सेट करके हम लोग दोबारा करेंगे ऑस्ट्रेलिया। जी जी, सविता जी हमारे साथ हैं, ही लगातार बनी रहती है भारत के मुद्दों पर, खासकर महिलाओं के इश्यूज पे बहुत शिद्दत से हमारे साथ बनी रहती हैं। हम टाइम तय करके आप लोगों को बता देंगे, ये हम लोग क्योंकि अभी लाइव है इसके ऊपर हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे। जी, बस आप तीनों से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग लगातार इसके ऊपर बातचीत करें, ताकि इंटरनेशनल मीडिया का, इंटरनेशनल लोगों का, ये इंटरनेशनली एक इश्यू बने। कौशल जी रिक्वेस्ट नहीं, ये तो हमारा फर्ज है, ये हमारा फर्ज है, हमारी मॉरल ड्यूटी बन जाती है आवाज उठाने के लिए। अगर हम भारत में नहीं, हम बाहर आ चुके हैं पढ़ लिख के, जो हमारी मॉरल ड्यूटी अपने समाज को सपोर्ट करें। आवाज चैनल की तरफ से मैं और कमल किशोर कठेरिया सर आप सबसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि इंटरनेशनल यूएनओ तक ही मैसेज पहुंचे, ह्यूमन राइट्स तक पहुंचे, ताकि हम मनीषा को न्याय दिलवा पाए। और ये मनीषा के लिए न्याय नहीं है, कमल सर मेरी बात से सहमत होंगे, हम अपने आप से नजरें मिला पाए इसके लिए हम प्रयास करेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बेहद बेहद शुक्रिया, आप सबने इतने शॉर्ट नोटिस में बातचीत की और आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें हमारे इस सोशल मीडिया के माध्यम से, हम जानते हैं मेन स्ट्रीम का मीडिया बिल्कुल नहीं उठाएगा आवाज, सोशल मीडिया हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज और ज्यादा पहुंचा पाए। हम लगातार इस पर चर्चा के लिए बने रहेंगे तब तक चारों ठाकुरों को फांसी तक ना पहुंचा दें। बिकॉज गिव अप नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं गिव अप करना चाहिए, नेवर नेवर गिव अप जब तक सेवा न मिले। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू।